चैनल में आपका स्वागत है। अभी मार्केट में गोभी का सीजन आ चुकी है, तो शाम के नाश्ते में अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो तरह तरह की पकौड़ी बना लेते हैं। लेकिन आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो कुछ लजीज स्नैक्स की रेसिपी बना रहे हैं, जो घर की सामग्री से बनकर तैयार हो जाती है और वो भी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है फूल गोभी, एक लेनी है आपको, यानी 8-10 टुकड़े, या तो आप अपनी जितना आप बनाना चाह रहे हैं उसको। अच्छी तरीके से इसे गोभी को काटने के लिए सबसे बड़े डंठल के समेत यहाँ से काटना है। कुछ इस प्रकार इतना बड़ा काटना है। चलिए सभी को हम काट लेते हैं। सभी गोभी को हमने काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस गोभी को चाहे तो आप गुनगुने पानी में एक बार 5 मिनट के लिए बॉयल कर लें, और बहुत बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पकाना है उसको, करंची, आधा करंची रहे आधा पक जाना चाहिए इस तरह के। लेकिन आज जो हम बनाएंगे ना, इसको भाप के द्वारा बनाएंगे, यानी स्टीम से पकाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो है तंदूरी गोभी टिक्का। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हमने लिया है 1 कप गाढ़ा दही, कुछ इस प्रकार, जिसमें पानी नहीं हो। वहीं लिए हैं 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ताकि एक अच्छा कलर दे, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून अजवाइन, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, चाट मसाला 1 स्पून, यहाँ आप अमचूर भी डाल सकते हैं लेकिन चाट मसाला का फ्लेवर अच्छा लगेगा, कसूरी मेथी 1 स्पून, वहीं 3 टेबल स्पून हमने मैरिनेट करने बाइंडिंग के लिए उसमें मिलाने के लिए हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। ये 1 फूलगोभी में हम यहाँ 3 चम्मच बेसन लिए हैं, और वहीं 1 बड़े स्पून से हमने चावल का आटा लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये हमें थोड़ी सी क्रिस्पी होने के लिए हमने लिया है, और नमक स्वादानुसार जाएगी और आवश्यकता अनुसार तेल जाएगी। हमने कोई भी आप कढ़ाई यहाँ ले सकते हैं, हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसके ऊपर हम ये पानी जब उबल जाएगी थोड़ी सी तब हम स्टीम यहाँ पर डाल देंगे, और जब ये गर्म हो जाए तभी आप डालें इसमें गोभी। पानी में उबाल आ चुकी है, अब सभी गोभी को डाल देंगे यहाँ। जैसे उचित लगे आप वैसा कीजिए, आपको अगर लगे कि स्टीमर मेरे पास नहीं है, खाने का मन भी कर रहा है, तो आप इसे 5 मिनट के लिए इसे बॉयल भी कर सकें, थोड़ी 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 सी गैप डाल के, ताकि ये स्टीम अच्छे से हो जाए। आप देख पा रहे हैं वाष्प इसका आना शुरू हो गया है, पानी जब गर्म हो जाए तभी डालें, और इसे कवर करके 5 मिनट इसे कवर करना, ताकि आधी पक जाए और आधी करंची रहे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं काफ़ी ये स्टीम छोड़ चुकी है, गोभी जो है आधी पक चुकी है, आधी करंची है। अब इसे गैस को करते हैं ऑफ, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, उसको थोड़ी देर इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद एक बाउल में निकाल लेंगे बड़े बर्तन में। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जितने भी हम मसाला जो डालेंगे इसमें मिलाएंगे, ये अच्छी तरीके से इसे इसमें लिपट जाए। गर्म है, एक एक करके एक कोई बड़े बर्तन में इसे निकाल लेंगे। जब गोभी ठंडी हो जाए थोड़ी, ताकि हम इसे टच कर सकें, तभी आप इसमें सभी मसाले मिलाएंगे। आप देख पा रहे हैं ऊपर का फूल जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन डंडियाँ जो है आधी पक चुकी है, आधी करंची है। चलिए अब हम सभी मसाले को तेल छोड़कर इसमें सभी मसाले हम मिला देंगे। 3 चम्मच बेसन, ऐसा नहीं कि हम जितना लिए हैं उतना ही डालेंगे, हमने 3 बोला है तो 3 ही डालेंगे, और वहीं 1 स्पून चावल का आटा डालेंगे, अजवाइन को क्रश करते हुए डालेंगे, डालेंगे गरम मसाला, नमक, चाट मसाला,
हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी को भी थोड़ी सी क्रश करते हुए डालेंगे। अब सभी को आपको हल्के हाथ से मिला देना है। इस वक्त आपको हाथ से ही मिलाना है, नहीं तो चम्मच से नहीं, टूट सकती है। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख पा रहे हैं, एक भी मसाले नीचे नहीं है। आराम से सब में मसाले कोट हो चुके हैं। अब क्या करना है हमको, इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। हम रेस्ट पे इसीलिए छोड़ते हैं ताकि इस पे जितने भी मसाले हमने मिलाया ना, इसको अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए, कोट हो जाए अच्छी तरीके से, इसका फ्लेवर जो है मसाले का आ जाए। चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। आप यहाँ डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यानी तेल में अच्छी तरीके से इसे तल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सेलो फ्राई करेंगे, कम तेल में इसे पकाएंगे। हमने यहाँ 2 से 3 स्पून तेल डाल दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है आपको, यानी मध्यम। इस स्टेज में जब तेल ये गर्म हो जाए तो एक एक करके गोभी जो है हमने जो मैरिनेट करके रखा है उसको हम यहाँ डाल देंगे। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम सभी को डाल देते हैं एक एक करके। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है, अगर हाई करेंगे तो जल जाएगी और पकेगी भी नहीं। और इसे बिना कवर किए हुए, इसे अलटते पलटते हुए हमें इसे पकाना है कुछ मिनट के लिए। जब आप गोभी डाले हैं, हम आप देख पा रहे हैं एकदम थोड़ी थोड़ी गैप करके डाले हैं, वन साइड लगे हो जाए तो इसे एक बार पलट देगा और कितना अच्छा कलर दिया हुआ कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं। चलिए सभी को हम इसे पलटा देते हैं। सभी को हमने एक बार पलट दिया है, साथ डीप फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये हमारी पक चुकी है, गैस को करते हैं ऑफ। अब ये तली हुई गोभी को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ एक कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला को बिल्कुल अच्छी तरीके से लाल होने दें। जैसे ही कोयला लाल हो जाएगी कोयले, तो हम एक सेंटर में इसको एक तंदूर डालने के लिए, कोई भी कटोरी आप यहाँ कोई भी मतलब स्टील का कटोरी डाल दीजिए। जब ये कोयला लाल हो जाएगी तो हम इसको बीच में सेंटर पर डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं कोयला धीरे धीरे लाल हो रही है। वन साइड अगर हो जाए तो सेकंड टाइम में इसे दोबारा इसे पलट दें ताकि दोनों साइड लाल हो जाए। कोयले हमारी लाल हो चुकी है कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं आप। गैस ऑफ करते हैं गैस को और इसको कटोरी में रख दें। अब कटोरी में रखने के बाद हम यहाँ डालेंगे घी, इतना हाफ स्पून या 1 स्पून डाल दीजिए और इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए ताकि इसमें जो है तंदूर की एक महक आ जाएगी, फ्लेवर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं जब हमने इसमें कवर किया तो बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा है। जैसे जैसे कोयले में घी जलती जाएगी, हवन की तरह एक इसमें खुशबू फैलने लगेगा। जब तक ये धुआं बंद नहीं हो जाए तब तक इसे कवर ही रहने दें, उठाएं नहीं। चलिए धुआं खत्म हो चुकी है और हम इस कटोरी को निकाल लेते हैं। ये सर्विंग के लिए रेडी है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। आपने देखा कि कितना झटपट बनकर तैयार हो जाती है और गोभी का सीजन अभी आ ही गया है और हेल्दी भी है और हरी सब्जियां तो खानी ही चाहिए किसी न किसी रूप में। तो चलिए इसे इसी तरह बनाइए और इसे इवनिंग स्नैक्स में इंजॉय कीजिए। मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में